टीवी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू आज यानी 6 अक्टूबर को भारत के दौरे पर आएंगे। आपको बता दें कि 5 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे वे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। इंदौर में कांग्रेस आज यानी 6 अक्टूबर को निगम की बदहाली उजागर करने के लिए पदयात्रा निकालने जा रही है। बता दें कि निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के नेतृत्व में निकलने वाली पदयात्रा सुबह 10 बजे खजराना गणेश मंदिर पर पूजन के साथ शुरू होगी। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा अपनी लंबित मांगों को लेकर आज यानी 6 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के समक्ष चेतावनी महाधरना देगा। बता दें कि केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने बताया कि सदर एसडीओ को महाधरना की सूचना दे दी गई। जयपुर में वसुप्रदा लाइफ स्टाइल की ओर से आज यानी 6 अक्टूबर को निर्माण नगर स्थित योग सेंटर में एग्जीबिशन का आयोजन होगा। बता दें कि एग्जीबिशन में मुख्य अतिथि पार्षद राजू अग्रवाल होंगे। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन यानी आज बदनावर नगर में धूमधाम से विशाल चुनरी कलश यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि इस यात्रा की तैयारियां पिछले 1 महीने से चल रही थी। सरायकेला जिला मुख्यालय से श्री जगन्नाथ मंदिर में आज यानी 6 अक्टूबर को जगन्नाथ सेवा समिति की बैठक होगी। बता दें कि इसकी जानकारी देते हुए जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष राजा सिंहदेव ने बताया कि बैठक पूर्वान 11 बजे से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में मंदिर की व्यवस्थाओं व आगामी धार्मिक कार्यक्रमों से संबंधित विचार विमर्श किया जाएगा। सादूल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में युवा कवियों के लिए समकालीन राजस्थानी युवा कविता के स्वर कार्यक्रम की चौथी कड़ी आज यानी 6 अक्टूबर को राजकीय संग्रहालय परिसर स्थित सादूल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभागार में सुबह 10:15 पर आयोजित हुई। राजस्थान भाषा विकास समिति की ओर से आज यानी 6 अक्टूबर को पुस्तक विमोचन व साहित्यकार अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा। बता दें कि समिति के संरक्षक व पूर्व डीओ लियाकत अली खान ने बताया कि शहर के पेंशनर भवन में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। भीलवाड़ा के याशिका आई हॉस्पिटल एवं श्री खाटू शाह मित्र मंडल के संयुक्त तत्वाधान व जिला स्वास्थ्य समिति के सहयोग से आज यानी 6 अक्टूबर को प्रजापति धर्मशाला शिवशक्ति कॉलोनी मंडल चौराहे पर निःशुल्क नेत्र परामर्श एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर होगा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार रांची में आज यानी 6 अक्टूबर से आंशिक बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बता दें कि बारिश का असर खासकर कोल्हान और संताल इलाकों के साथ पश्चिम बंगाल से सटे क्षेत्रों में अधिक देखा जा सकता है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1499 में आज ही के दिन फ्रांस के राजा लुईस ने मिलान पर कब्जा किया। साल 1862 में आज ही के दिन भारतीय दंड संहिता कानून पारित हुआ और 1 जनवरी से लागू हुआ। साल 1946 में आज ही के दिन हिंदी फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना का जन्म हुआ। साल 1980 में आज ही के दिन गुयाना ने संविधान को अंगीकार किया। साल 2014 में आज ही के दिन अमेरिकी अभिनेत्री मारियन सेल्टस का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।